सब्सक्राइब कीजिए अपने लाइफ एडवांस चैनल को और बेल बटन दबाइए और न्यू अपडेट वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं सुरेश नेगी आया हूँ एक बार फिर आपके बीच में। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ अभी कुछ समय पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र रावत जी का बयान आया था कि प्रदेश से पहाड़ों से पलायन हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, पहाड़ों के लोग पलायन न करें तो क्या करें? आपने क्या किया है पहाड़ों के लोगों के लिए? बिल्डिंगें हैं तो डॉक्टर नहीं, स्कूल हैं तो टीचर नहीं, पाइपलाइनें बिछी हैं तो उनमें पानी नहीं। पहाड़ के लोग पलायन ना करें तो क्या करें? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बड़ी जिम्मेदारियां ले रहे हैं, बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं कि पहाड़ों से पलायन पलायन पलायन, आखिर क्या किया है आपने? सिर्फ मीटिंगें हैं तो की, कभी जाके देखा पहाड़ों पे उन लोगों पे क्या बीतती है? मैं अभी एक घटना भी मैंने न्यूज़पेपर में सुना था कि श्री आदित्य योगीनाथ के पिताजी को उनकी तबीयत खराब हुई और उनको दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया गया। जब आप एक दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी को अपने प्रदेश में उचित स्वास्थ्य की व्यवस्था की नहीं कर सकते, उनको भरोसा नहीं दिला सकते कि हम अपने प्रदेश में आपको अच्छे डॉक्टर मुहैया कराएंगे, तो एक आम नागरिक आपसे क्या उम्मीद करेगा? पलायन नहीं करेगा तो क्या करेगा, बताइए आप? एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिताजी को आप दिल्ली में रेफर कर रहे हैं, अपने उत्तराखंड में आपके पास व्यवस्थाएं नहीं और बात करते हो पलायन की। अभी कुछ समय पहले अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पौड़ी जिले में एक गर्भवती महिला की ले जाते टाइम मौत हो गई। पहाड़ों में डॉक्टर नहीं है। अभी मैं अपने यहाँ टिहरी की बात कर रहा हूँ, अभी कुछ समय पहले ऑल वेदर का काम चल रहा है रोड का, एक महिला को जब वहां डॉक्टरों ने मना कर दिया और ऋषिकेश रेफर कर दिया तो रस्ते में उसकी मौत हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इन मौत का जिम्मेदार कौन कौन होगा, इन मौतों के जिम्मेदार? आप कहते हो पलायन हो रहा है पहाड़ों से। मुख्यमंत्री जी, मीटिंग करने का दौर खत्म हो गया है, प्लीज प्लीज कुछ कीजिए, नहीं तो अगले सत्र में आपको पता चल जाएगा कि पहाड़ों के लोगों क्या कर सकते हैं। हमने आपको सत्ता दी है तो आपसे ही हमारे सवाल भी होंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस क्षेत्र में अगर किसी गर्भवती महिला की मौत होती है तो सबसे पहले वहां का डीएम जिम्मेदार हो, वहां के विधायक और वहां के सांसद पे सबसे पहले मौत का केस चले। मैं देखता हूं कैसे नहीं भारत की व्यवस्था बदलती, और आप कहते तो पलायन हो रहा है। ना करें पलायन तो क्या करें? मरते रहें वहां, आपको वोट दें। आप चार दिन आओ, हाथ जोड़ो, हमको वोट दो, आपको वोट दें, उस टाइम आप सारी व्यवस्था करवा दो, उसके बाद आप चले जाओ, उसके बाद आप बोलो पलायन मत करो, यहीं मरते रहो, है ना? आप सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करो। तो मैं प्लीज आपसे उम्मीद ही कर सकता हूं, ऐसे और कुछ तो हमारे बस में है नहीं। हमने आपको सत्ता दी है तो क्यों आखिर सिर्फ इसलिए कि आप मीटिंग का दौर चलाओ, करोड़ों रुपए अपने बैनर पोस्टरों पे खर्च कर दो, हम तो पहाड़ों के लिए ये कर रहे हैं, पहाड़ों के लिए वो कर रहे हैं। अरे कर क्या रहे हो, कुछ पता चलेगा क्या कर रहे हो आप? मैं सभी दोस्तों से उम्मीद करता हूं, अपील करता हूं कि मेरे ये मैसेज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कानों तक जाए और उन्हें ये पता चले कि पहाड़ों के लोगों का दुख क्या है, आखिर क्या होता है पहाड़ों के लोगों का पलायन। कोई नहीं चाहता अपने घरों को छोड़ना, अपने पुश्तैनी घर जहां पे उनका बचपन बीता, उन घरों को छोड़कर आज वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो क्या ना करें, कितना दुख होता होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका जिम्मेदार वो खुद नहीं, इसके जिम्मेदार आप लोगों की निकम्मी सरकार है। पिछली सरकारें भी आई तो उम्मीदें, ये बजट वो बजट, ये मीटिंगें, आपकी सरकारें भी आई हम मीटिंगें करें, अरे मीटिंगों का दौर कब तक चलेगा, कब तक मीटिंगें करते रहोगे जब सारे लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? आप कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बेटी जन्म लेती है उसकी जिंदगी की सिक्योरिटी आपके पास नहीं, जो बेटी जन्म दे रही है उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था आपके पास नहीं। अरे कौन से बेटी बचाओ और कौन से बेटी पढ़ाओ की बात करते हो आप? ना तो बेटी सही ढंग से पैदा हो उसका व्यवस्था आपके पास, जो बेटी जन्म दे रही है ना उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा आपके पास, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों? ये ढोल बजाना बंद कीजिए और प्लीज हकीकत की दुनिया में आइए। मैं सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि प्लीज मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की आवाज उसके कानों में आवाज गूंजे कि आखिर क्या है पहाड़ों का दर्द। जय हिंद, जय भारत।